कहाँ जा रही है? ऑफिस जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी? इन कपड़ों में? तेरे पास थोड़े बड़े कपड़े नहीं है? क्यों, इनमें क्या प्रॉब्लम है? मैं तो यही पहन के जाऊंगी, इन्हीं में कंफर्टेबल हूँ मैं। तुझे पता है कल मैं पार्कर मॉल गया, कोरोना वायरस की वजह से पूरा मॉल बंद। अबे देख इसे कैसे कपड़े पहन के जा रही है। अबे हाँ यार, इसकी फैमिली वाले कुछ बोलते नहीं है इसको ऐसे कपड़े पहनने के लिए? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी फैमिली को इसके कपड़ों से। और जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम लोग कौन होते हो उसे जज करने वाले? ये कपड़े इसकी चॉइस है, और अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है ना इसके कपड़ों से तो अपनी आंखें नीचे कर लो। अरे वाह, मेरा छोटा भाई इतना बड़ा कब से हो गया? सही के लिए बोला, मैंने तुझसे ही सीखा है। अच्छा चल चल सोगली सी, अब तुझे ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा, जा। तुम किस बात की टेंशन ले रहे हो? मैं हूं ना, मैं पैसों का अरेंजमेंट कर लूंगी। किससे बात कर रही है? तुझे क्या मतलब, चल निकल यहां से। बॉयफ्रेंड से बात कर रही है ना, मुझे सब पता है। रुक अभी पापा को बुलाता हूँ। सुन सुन सुन, क्या है? तुझे नई वॉच चाहिए थी ना, मैं लेके आऊंगी तेरे लिए। अच्छा, लेकिन बस पापा को मत बताइयो। चल ठीक है, तू कह रही है तो नहीं बताता। मेरा प्यारा भाई, तुझे रोते देख कितना सुकून मिलता है। पैसे भी तुमने मुझसे झूठ बोल के लिए थे उसी लड़की के लिए। हेलो हेलो, मेरे होते हुए जो मेरी बहन को रुलाएगा वो चैन से कैसे जी सकता है? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है? माना कि छोटा भाई हूँ, मगर अपनी बहन की सारी खबर रखता हूँ। चल सॉरी बोल। सॉरी। भाग जा यहाँ से अब। मेरा छोटा भाई इतना बड़ा कब से हो गया? तुझे रुलाने का हक सिर्फ मेरा है। कुत्ते वीर मेरे, तेरा प्यार रहे, तेरी लाडली बन मैं जीती रवा, एक डोर से बांधी है खुशियां, तेरी खुशियां दी विच खिलती रवा। Thank you.
अरे अरे, अभी तो मेरी शादी को सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं और तू मेरे को इतना मिस कर रहा है। चल चल सुगली सी, मैं तो इसलिए परेशान हूँ कि तू वापस आ गई मेरे रूम पे कब्जा करने के लिए। बताऊंगी, फिटेगा। चल, और रूम तो गंदा कर रखा होगा तूने। मम्मी कुछ खाने को बना दो। क्यों, खुद नहीं बना सकती? सारा दिन पड़ी रहती है। मैं किचन में जाके खुद बनाऊं? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? और शादी के बाद क्या करेगी? मैं तो तब भी नहीं करने वाली काम, अपने पति से करवाऊंगी। ओ हेलो, क्या सोच रहा है? यही, शादी से पहले लड़कियां अपने घर पे परी बन के रहती हैं और शादी के बाद? अगर पति अच्छा हो तो शादी के बाद भी परी ही बन के रहती है। और तेरे जीजू बहुत अच्छे हैं, ले और चल, तेरे जीजू आने वाले हैं। पागल है, मैं आती तो रहूंगी और जब तेरा मन हो तो मुझसे मिलने आ सकता है। पर हमेशा तो नहीं रहेगी ना मेरे साथ, मेरे पास कोई नहीं बचा लड़ने के लिए। और हमेशा लड़कियों को ही क्यों जाना होता है घर छोड़ के? प्लीज मत जाना। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर एंड लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आने पर नोटिफिकेशन मिल जाए। और मुझे पर्सनली जानने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय, टेक केयर एंड लव यू। एक मिनट रुक जाओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके घर वालों को। इसके रुक जाओ फिर से, इसके रुक जाओ फिर से, इसके रुक जाओ फिर से। थोड़ा सा सीरियस हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके घर वालों को, इसके कपड़ों से। और जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम लोग कौन होते हैं उसको बोलने वाले? ये कपड़े इसकी चॉइस है। आगे कहाँ बोल गए? और जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम लोग कौन होते हो उसे कपड़े से जज करने वाले? कोई यार है, यार है, यार है। 1-1021 हसामत यार। ओ मेरा प्यारा भाई। अरे वाह। और अगर तुम दोनों को इतनी प्रॉब्लम है ना इसके कपड़ों से तो अपनी आंखें नीचे कर लो। चल कोई बात नहीं, रहती अपनी बेइज्जती, कोई नई बात नहीं है। अक्सर